Y20 के आज के सम्मेलन में जिनके नेतृत्व में दुनिया के यूथ डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित हुए हैं, सूचना और प्रसारण तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, गिरीश चंद यादव जी, Y20 समिट के चेयर श्री अनमोल शोभित जी, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, G20 और अन्य सहयोगी देशों के सभी प्रतिनिधिगण और देश भर से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, देश के सबसे प्राचीन आध्यात्मिक नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी यह प्राचीन नगरी जानी जाती रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह भारत की हृदय स्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वाराणसी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी नगरी के सारनाथ में दिया था, जो आज भी दुनिया के बहुत अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि अपनी सांस्कृतिक विविधता
और एकता के कारण भारत दुनिया के अंदर दुनिया के नागरिकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र है। लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास करते हुए भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी जिस भाव और भंगिमा के साथ भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए अपने यशस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में भी प्रस्तुत करती है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की यह त्रिवेणी हमें विशिष्ट बनाती है। नित्य नूतन चिर पुरातन संस्कृति की सुदृढ़ नींव पर हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करते हुए अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के इस प्रतिष्ठित आयोजन की अध्यक्षता कर रहा है। हर भारतवासी न केवल इन आयोजनों के प्रति लालायित है बल्कि अपने आप को वैश्विक मंच पर एक उभरते हुए भारत के रूप में प्रस्तुत करने में गौरवान्वित भी महसूस करता है। G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह वास्तव में भारत की प्राचीन उस व्यवस्था को प्रस्तुत करता है जिसने हजारों वर्ष पहले दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश दिया था, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, एक परिवार के रूप में पूरी दुनिया को मानने वाली उस व्यवस्था को जिसका वास्तव में अर्थ क्या है कि यह मेरा यह तेरा, यह विचार संकुचित सोच के लोगों का है। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही परिवार मानते हैं। हमें गर्व है भारत ने सदैव से ही इन उदार भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है और G20 का यह समिट इस बात का उदाहरण भी है। हमारे युवा आने वाले समय के नीति नियंता हैं और इसीलिए विश्व मानवता के बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान में किए जा रहे विमर्श में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 के अंदर Y20 का आयोजन वास्तव में इस पूरे आयोजन की प्रासंगिकता को भी आगे बढ़ाता है। यह सम्मेलन इस वैचारिक यात्रा की प्रगति का प्रतीक है जो दुनिया के सभी कोनों से आए हुए युवाओं के सामूहिक प्रयास से कई माह पूर्व प्रारंभ की गई और यह पहली बार नहीं हुआ। मुझे जब मैं अपने युवा साथियों के बारे में सोचता हूं और जब मुझे कहीं से लगता है कि लोग हमारे युवाओं के इस पोटेंशियल पर, उनकी प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो मुझे स्वयं उस समय दुख होता है, दुख इस बात को लेकर के होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा से समाज को एक नई दिशा दी हो। युवा साथियों, आप प्राचीन काल से भारत की व्यवस्था को देखें
या दुनिया के अंदर भी युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था जब उन्होंने संकल्प लिया था निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन, या प्रभु राम का वह आह्वान है जो भारत की धरती से राक्षसी वृत्ति को नेगेटिव पावर्स को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान उन्होंने किया था। प्रभु राम युवा ही थे, याद करना मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने वाले, उनके राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करने वाले परित्राणाय साधु नाम बिना सायच दुष्कृताम का आह्वान करने वाले श्री कृष्ण भी युवा ही थे। दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इसी वाराणसी में देते हैं सारनाथ में, और तब वे युवा ही थे। भारत के अंदर चार कोनों में चार पीठों की स्थापना करने वाले और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने वाले आदि शंकर मात्र 32 वर्ष की आयु तक आयु ही जिए थे। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया और मात्र 39 वर्ष का जीवन जिया था। स्वामी प्रणवानंद जी ने मात्र 42 वर्ष का जीवन जिया था। 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह, इसका उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये सभी युवा ही थे। सिंहासन ही उठे, राजवंशों ने विपत्ति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। मरदानी ये कहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई इसी काशी में जन्मी थी और मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने झांसी की आजादी के लिए युद्ध लड़ा। तो मुझे फूट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी युवा ही थे। भारत की आजादी के लिए क्रांति दूत बनकर के जिन अमर बलिदानियों ने अपने आप को बलिदान किया, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अस्पा उम्मा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ये जितने भी क्रांतिकारी थे ये सभी युवा ही थे। विनायक दामोदर सावरकर मात्र 28 वर्ष की उम्र में उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। 28 वर्ष की उम्र वे युवा ही थे। और महाभारत का वह दृश्य जिसमें 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्र व्यू को बेचता था और छत्ते छुड़ाता था,
दृष्टि विहीनों के लिए लिपि की खोज की थी। 15 वर्ष की आयु क्या होती है? और कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले आइंस्टीन की आयु उस समय जब उन्होंने सिद्धांत दिया था मात्र 16 वर्ष की थी। और यह भी कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले न्यूटन की उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। जब यहां पर युवाओं की इस प्रतिभा के बारे में भारत सरकार की युवा कल्याण मंत्रालय की सचिव उस थीम के बारे में बता रही थी और अनुराग जी ने इस बारे में विस्तार से हम सबके सामने बात रखी तो मुझे लगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आने के बाद भारत के युवाओं के इस प्रतिभा इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच दिया। स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंडअप इंडिया का और अटल इनोवेशन मिशन का, अनेक ऐसे कार्यक्रम जो भारत के युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक नए अवसर प्रदान करते हैं, एक नए भारत का दर्शन करा रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर आज G20 के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत ने इस क्षेत्र में सदैव विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज जब G20 के इस समिट में Y20 का यह समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है तो 5 थीम इस अवसर पर दुनिया भर से आए थे युवा प्रतिनिधियों ने तय किए हैं। ये वास्तव में दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ जोड़ते हुए जो एक संदेश है दुनिया के सामने उस संदेश को जोड़ने का उस संदेश के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। G20 के समिट में Y20 का यह समिट जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। उस युवा शक्ति को हम सब उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। Y20 का इस समिट इस दिश से अत्यंत फलदायी साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश का आपका प्रवास दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश लेकर के जाएगा। इस विश्वास के साथ Y20 के इस समिट के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।